वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रेंड। आज इस वीडियो में सीखेंगे सागवान का डोर पर कलर कैसे चढ़ाया जाता है। लकड़ी कोई सा भी हो, कलर चढ़ाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज दे दूंगा। पाउडर वाला कलर से सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड का लाइफ ज़्यादा होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में बेल आइकन को दबा दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए दोस्तों, और लाइक करके हमारा नोटिफिकेशन बढ़ाएं। और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को शेयर भी करें। अब स्टैंडर्ड डालूंगा, जैसे कि ये देखें फ्रेंड, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम मैंने कलर ले लिया हूँ स्टैंडर्ड में से। और कलर चढ़ाएंगे, एक कोट कलर चढ़ा के दूसरा कोट पॉक्सी करेंगे। तो चलो पहले कलर चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड स्पिल्ट करेंगे पतला कलर के लिए। स्पिल्ट इस मायने रखता है और ज़्यादा पतला रहेगा उतना बेस्ट रहेगा। मैं लाग इतना ना का बराबर ही यूज़ करता हूँ, पॉक्सी से ही बेस बनाता हूँ ज़्यादा में। और ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा मैंने लाग इतना लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही, और इसको पूरा पतला कर देंगे, कपड़ा सूखे ना कलर खींचते समय। आप देखें कलर चढ़ा के बताते हैं कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही सा सूखा कपड़ा साथ में मारना जरूर है फ्रेंड। कई पेंटर भाई क्या कहते हैं, सूखा कपड़ा नहीं मारते। सूखा कपड़ा मारना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। इसको पूरा मैच कर देंगे और जितना कलर चढ़ाओगे उतना ही डार्क होता चला जाएगा धीरे धीरे। ये सागवान का डोर और बहुत ही अच्छा लुक लगेगा, देखना फ्रेंड है। इसका अभी जो है अभी कुछ नहीं होगा, अभी तैयार ही हो रहा है अभी तो फिलहाल। टेप लगाने का फ़ायदा, जोर पार उधर नहीं जाएगा, कपड़ा मारते रहना है साथ। जो पहले जो मुश्किल वाला है पहले वो कर लें, बाद में जो आसान तरीका है बाद में वो कर लेंगे। पहले ये तो जितना अभी मुश्किल वाला काम है इस करेंगे पहले। सूखा कपड़ा साथ में रखना है फ्रेंड, बिल्कुल सूखा कपड़ा ऐसे ऐसे करते रहना। ये देखें फ्रेंड, रेसा कितना शानदार लग रहा है। सूखा कपड़ा बिल्कुल मारना है पीछे से, कलर एक प्रॉपर चढ़ पाए। ये देखे सूखा कपड़ा बिल्कुल हाथ में रखना है, जितना हाँ गद्दी लगाओ उतना ही डार्क होता चला जाएगा फ्रेंड। जितना गद्दी लगाओगे, जैसे कि अब करके पेंटर भाई पूछते हैं जैसे कच्ची लकड़ को क्या करें जो दिख रहा है, जैसे ये सब सिर्फ स्टैनर ही डालना, जैसे कि वो मैं बताया था पहले, ये बोतल वाला इसमें से लगा के और सीधा स्टैनर डालना, मैं बता दूंगा वो भी थोड़ा सा। तो चलो फटाफट से मैं कर लेता हूँ ये सब तैयार, कलर दे ले। तब फ्रेंड कलर है गद्दी लगाने, अब तक रिकॉर्डिंग तब तक अपना जो कलर चाहिए वो पूरा नहीं हो जाता। डार्क भी कर सकते हो, जितना गद्दी लगाओ उतना ही डार्क होता चला जाएगा। और मैं बहुत ही सूखा कपड़ा जल्दी रखना फ्रेंड, मैं स्पिल्ट इसलिए पतला रखा हूँ कलर लकड़ी जल्दी खींचे ना, सूखा कपड़ा से एक बराबर कलर कर सकूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एक बराबर कलर चढ़ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से मैं कलर डाल रहा हूँ, मेरे को टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि स्पिल्ट के साथ लाग जाना ज़्यादा नहीं है, पतला है, और मेरे पास सूखा कपड़ा इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ कलर, और जल्दी मैच हो जाए इसका अच्छे तरीके से। जो जो नए पेंटर है उसके लिए दिक्कत होता है कलर चढ़ाना, कैसे चढ़ाएँ, कभी कभी लकड़ी डार्क हो जाता है, लेकिन लकड़ी डार्क मत करना फ्रेंड, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। लेकिन पॉक्सी का जो पॉक्सी अप्लाई करोगे इस पर थोड़ा सा और कलर चेंज होगा इसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइट लेके चलें कभी भी थोड़ा सा कलर। तो पॉक्सी के ऊपर भी कलर दे सकते हो, मैं इसमें भी देख के बताऊँगा पॉक्सी के ऊपर कैसे कलर किया जाता है, और इसकी फुल वीडियो चाहिए पॉक्सी कैसे किया जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, और ज़रूर चेकआउट करिएगा, देखिएगा। जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड, पॉक्सी हो चुका है, उसके बाद रेगमाल भी लगा लिया 150 नंबर। उसके बाद कलर डालना है, फिर से डार्क करेंगे इसको, फिर ही हो इस तरीके का प्रोसेस सेम। ये देखे पहले से कुछ 10 गुना अच्छा लगेगा। अब डार्क करना है इसको कलर, इसको साइड भी पहले कर लेंगे सबको। रेशा देखे फ्रेंड कितना ज़्यादा उठ रहा है, रेशा ग्रैंड फ्रेंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। सागवान का डोर चढ़ाने में सही अच्छा लगता है,
उसके बाद डबल कोट पॉक्सी करेंगे फेस से, सब पर पहले कलर चढ़ा लेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड, कोई जानकारी नहीं देगा रियल जो रही, जो रियल तरीका है, जो सही से अगर पॉलिश कर पाओ घर में कैसे कराना चाहिए यही बेस्ट होता है, और लाइफ भी सबसे ज़्यादा होता है। अगर फ्रेंड इसकी वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, पूरी फुल वीडियो है, वो भी हिंदी में नॉलेज दिया हूँ, देखे चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो फ्रेंड, फटाफट से मैं कलर दे लेता हूँ सब में, और उसके बाद पॉक्सी अप्लाई करेंगे, तब जाके अगला प्रोसेस।